हेलो गाइज, ममता डिजाइनर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आई हूँ शर्ट की नीचे वाली पट्टी कट करना और इसे लगाना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे को डिमांड आ रही थी कि मैम आप ये नीचे वाली पट्टी कट करके और हमें लगा के बताइए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये अपना आगे वाला हिस्सा है, पहले इसकी पट्टी कट कर लेते हैं, फिर अपन पीछे वाले हिस्से की पट्टी कट करेंगे। फ्रेंड्स, पट्टी कट करने के लिए अपन को कपड़ा डबल में लेना होता है। ये वाला भाग अपना बंद होना चाहिए, बाकी सिरे खुले होने चाहिए। अगर आपके पास कपड़ा अवेलेबल नहीं है तो आप खुले भी ले सकते हैं, क्योंकि अपना पीछे वाले भाग में पट्टी में ज्वाइंट आ जाता है, इसलिए अपन को ये वाला हिस्सा बंद लेना है, यानी कि अपनी साइड। अब अपन आगे वाले हिस्से की पट्टी कट करेंगे। शर्ट में नीचे वाली पट्टी निकालने के लिए मैंने इस तरीके से कपड़े को डबल कर लिया है। डबल करने के बाद मैं आगे वाले हिस्से को रख दूंगी। आगे वाले हिस्से को अपन को बराबर में ही रखना है, ये देखिए। अब गाइस, यहाँ पे अपन का कट का निशान था, वहां तक अपन को इस तरीके से कपड़ा ले लेना है और ये गुलाई को अपन को ऐसे कैसे खींच देना है ऐसे। अब मैंने गुलाई खींच दी है और इसको अपन को ऐसे हटा लेना है और 1 इंच चौड़ाई रखते हुए फिर से अपन को ऐसे गुलाई देना है और 1/2 इंच ऊपर की साइड एक्स्ट्रा लेना है। ये अपनी पट्टी कट हो जाएगी आगे वाली। इसी में रखकर पीछे वाले हिस्से की पट्टी कट करेंगे अपन। आपको हमेशा जैसे मैंने बताया उसी तरीके से करना है, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। तो गाइज, अपने पीछे वाले हिस्से की पट्टी भी कट हो गई है, तो आपको कट करना तो आ ही गया होगा फ्रेंड्स। तो मैं इसे लगाना भी बता देती हूँ। इससे पहले फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दे। तो ये देखिए गाइज, अपन सबसे पहले पीछे वाले भाग की पट्टी को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पट्टी में डबल में ही बीच कट का निशान लगा लिया है, और यहाँ पर भी मैंने ये बीच वाला निशान है उस पर इसको मिलाते हुए और ऐसे रख देते हैं। तो गाइज, यहाँ पर अपन ने 3.5 इंच का कट का निशान लगाया था, यहाँ पे इसको इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर अपना कट का निशान है, तो कट के निशान से थोड़ा सा अपना ऊपर जो कपड़ा है उसको अपन को इस तरीके से पलट लेना है ऊपर की साइड ही ऐसे, और इसके चारों ओर यहाँ पर सिलाई चला देनी है गाइज। तो ये देखिए गाइज, मैंने इस तरीके से पूरी पट्टी को ज्वाइंट कर दिया है। इसमें 1/2 इंच से कम की सिलाई लेते हुए अपन ने इस पट्टी को ज्वाइंट कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पर अपन इसमें कट के निशान लगाएंगे बाहर की साइड। और गाइज, अंदर की साइड भी अपन को कट के निशान लगा लेना है इस तरीके से। तो कट के निशान लगाने के बाद ये पट्टी को अपन को इस तरीके से कच्चा पलट लेना है, तो अपन को पलटने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। गाइज, इस तरीके से अपन ने पट्टी को कच्चा पलट लिया है, ताकि अपन को ये पट्टी को रोकना नहीं पड़ेगा। अब अपन ये पट्टी को कच्चा पलट के यहाँ पर इस तरीके से सिलाई देना है। ये जो पट्टी है उसी की साइड की है ये सिलाई को, अंदर की साइड, और अपन को यहाँ पे सिलाई दे देनी है, ताकि ये पट्टी अपनी अच्छे से दब जाएगी। इस तरीके से अपन ने सिलाई दे ली है, और देने के बाद अपन इसको अंदर की साइड पलट देंगे। तो गाइज, इस तरीके से लगाओगे तो आपको प्रेस करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत फिनिशिंग के साथ लगेगी अपनी पट्टी और आपको बहुत इजी लगेगा जैसे मैंने बताया है।
तो ये देखिए गाइस, अपनी अंदर की साइड भी देख लीजिए आप, और देखिए बाहर की साइड कितनी फिनिशिंग के साथ अपनी पट्टी लगी है। ये देखो, आपको प्रेस करने की भी जरूरत नहीं है, देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ अपनी पट्टी लगी है। ये देखो गाइस, बिल्कुल भी बल नहीं है पट्टी में, बहुत फिनिशिंग के साथ लगी है, देख सकते हैं आप। इसी तरीके से अपन आगे वाले हिस्से की पट्टी लगा लेंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं मेरे को। देखिए बहुत अच्छे तरीके से लगी है अपनी पट्टी गाइज। आगे वाले हिस्से में अपन को पट्टी लगाने से पहले अपन को बटन पट्टी को पलटना होता है, फिर अपन आगे वाले हिस्से में पट्टी लगाएंगे। तो देखिए अपन ने ये जो पट्टी के लिए रखा था कपड़ा, उसको अपन पलट लेते हैं पहले। अब जैसे अपन ने पीछे वाले हिस्से में लगाई थी, उसी तरीके से आपको इसमें रख देना है। तो ये देखिए गाइज, आगे वाले हिस्से में भी कितनी फिनिशिंग के साथ पट्टी लगी है अपनी। देखिए बहुत फिनिशिंग के साथ लगी है गाइज। ये देखिए, आपको प्रेस करने की भी जरूरत नहीं है कि आप प्रेस करो या मत करो गाइज। देखिए बहुत फिनिशिंग के साथ लगी है अपनी, ये पट्टी भी अंदर की साइड दब गई है। तो गाइज आपको ये पट्टी लगाना अच्छे से आ गया होगा मेरे ख्याल से। फिर भी आपके समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बता देना। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो गाइज, ये पट्टी लगाना एक छोटी सी वीडियो, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना फ्रेंड्स अपने दोस्तों फ्रेंड्सों के साथ। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स में बताना कि अब आपको क्या सीखना है, वही मैं आपको बता दूंगी।